डिजिटल क्लासरूम का सेटअप में कैमरा, बोर्ड और साउंड सेटअप जो OBS सेपरेट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कैमरा, कैमरा को ऑन करना, HDMI केबल लगानी। उस HDMI केबल लगाने के बाद, जो मैंने अभी HDMI केबल लगाए पहले, उसके बाद इसके राइट साइड एक जो प्लग इन है वहाँ चार्जर है, ये कैमरा का चार्जर लग जाएगा। चार्जर लगने के बाद जो है कैमरे को एक साइड बटन है छोटा सा, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो है कैमरे को हमें जूम इन कितना करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, कि हमारा बोर्ड पूरा उस कैमरे के फ्रेम में आ जाए, जिससे क्या कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कोई सब्जेक्ट, जो भी कोई टीचर पे हम पढ़ा रहा है, उसका क्लैरिटी प्रॉपर रहेगी जूम इन में। और जूम इन का जो बटन है इसके अपर साइड में है, हल्का सा अगर हम इसके राइट करेंगे टाइट, वाइड जो था वाइड से टाइट में आ जाएगा, टाइट इन जूम इन आ जाएगा कैमरा। इस तरह से मैंने इस कैमरे को जो है सेटअप किया, ये जूम इन कर रहा हूँ, ये देख रहे हो सामने बोर्ड, पूरा बोर्ड इस कैमरे में आ गया है। कैमरे के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट साउंड, जैसे स्विच ऑन करते हैं ये साउंड जो है साउंड का रिसीवर ऑन हो जाता है। रिसीवर के बाद ये हमारा जो माइक है, जो इसको रेड को क्लिक करना है जिससे ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ऊपर में आप देख रहे हो लाइट ऑन हो गई है, और ऊपर में एक छोटा सा स्विच है, उसको जो है रेड दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन सेट करना, अब आपका साउंड ऑन हो जाएगा। ये रिसीवर जो है आप अपने जेब में रख सकते हो। जेब में भी रख सकते हो, आपकी जो वायर अगर छुपाना चाहते हो तो अंदर से डाल के आपको यहाँ पे सेट कर देनी है वायर। आपको जो है साउंड जो है रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। दूसरा आपको OBS ऑन करना है। जैसे OBS को ऑन करेंगे हम, उस पे OBS पे डबल क्लिक करेंगे, OBS स्टूडियो करके ऑप्शन आएगा, डबल क्लिक करने पे हमारा OBS का पूरा जो है इंटायर स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हमारा कुछ पहले के सेटअप किया हुआ है, जो प्री सेटअप रहता है इसको हटा रहे हैं। हाँ, और इसके बाद जो है हमें जितनी भी सारी फाइल्स ऊपर सेटिंग्स कुछ भी हमें छेड़ना, क्योंकि ये प्री सेट ऑलरेडी है हमारे पास। नीचे में कुछ ऑप्शंस है, ऑक्स है, लोगो है, वहाँ भी नहीं जाना है हमें, राइट साइड पे आना है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे है, क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रीमिंग तो करना नहीं है। स्ट्रीमिंग की तब ज़रूरत पड़ेगी जब हमें कहीं लाइव वीडियो कहीं चलाना हो, या कहीं वर्चुअली हमें किसी से कनेक्ट करना हो, लेकिन हमें यहाँ अगर क्लास बनानी है तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आएंगे। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे बाकी जितनी भी सेटिंग्स है स्टूडियो बाकी सब कुछ छोड़ के स्टॉप रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे, हमारी रिकॉर्डिंग जो साउंड ऑन किया था ये सब चीज़ें ऑन हो जाएगी। और ये दूसरा कुछ सेटिंग्स, जैसे हम लोगो, जैसे हम यूनिवर्सिटी का अगर लोगो लगाना चाहते हैं, लोगो का सबसे ऊपर है, नीचे अलग अलग ऑप्शन है, लोगो पे हम जाएंगे, लोगो को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से हमारा जो है ब्राउज़र खुल जाएगा। अभी आप देख रहे हो ऊपर में जो ब्राउज़र आ गया है, ब्राउज़र खुलने पे जहाँ भी हमारा अगर लोगो होगा, जो भी हम लोगो लगाना चाहते हैं वहाँ लग जाएगा हमारा लोगो। वीडियो के जिस भी साइड हमें सेटअप करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वो आपकी चॉइस है। मान लो राइट साइड हम लोगो को रखते हैं, तो उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें सेटिंग है, जिसमें प्लस में जाओगे और नीचे जाके टेक्स्ट में आ जाओगे, आप थोड़ा सा नीचे आओगे टेक्स्ट में आओगे, टेक्स्ट GDI होगा, उसको आप ओके करोगे, टेक्स्ट GDI को, आपके पास ये वाली सेटिंग्स आएगी। वहाँ टेक्स्ट पे आपको लिख लेना है, जो भी आप लिखोगे आपके इंटायर वीडियो में, जो आपके वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद है उसके नीचे आपको लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लो मैंने IIMT लिखा है, जो भी आपको टॉपिक हो, जो भी टीचर का नाम हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, वो आपके इंटायर वीडियो में नीचे में आप स्क्रोल होते रहेगा। ये आप, मैंने रेड कलर चूज़ किया है और ये IMT आ गया, और इसको जो ओके करने के बाद ये आपके वीडियो के ऊपर आ जाएगा। उसको आप सेट करके पोजीशनिंग कर सकते हो, और आपको वीडियो के नीचे चलाना, ऊपर चलाना, साइड पे जाना, आप कितना साइज़ रखना, जो वीडियो के ऊपर आएगा। मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, और नीचे सबसे पहले राइट क्लिक करके उसी पे, और नीचे सब जाऊँगा फिल्टर पे, फिल्टर पे क्लिक करके मुझे फिर प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगा स्क्रोल पे, स्क्रोल पे मुझे स्पीड उसकी सेट कर लेनी, कितनी स्पीड से जो मेरे वीडियो के ऊपर ये लिखा हुआ स्क्रोल करेगा। और मैंने लगभग 25 to 40 के बीच सबसे बेस्ट रहती है, मैंने कुछ 34-35 की है, और ये मैंने सेट कर दिया, उसका पोजीशन ये कर दिया, और ये एक सेटिंग जो है ऑन हो गई। इससे क्या हो गया, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस मान लो IIMT यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, या कुछ भी आप अपना नाम लिख रहे हैं, वो स्क्रोल होते रहेगा टॉपिक के साथ आपका नाम है। और जो रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है, और आपकी रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन की फिर स्टॉप कर दी, और जो है रिकॉर्डिंग आने के लिए आपको दिस PC में जाना है, दिस PC में आपको ऑन करना है OBS रिकॉर्डिंग में, वहाँ जो भी हमने अभी रिकॉर्डिंग की ये ऑन हो रही है, ये देख सकते हो यहाँ स्क्रॉल भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी आ गई।
इस तरह से आपका टॉपिक है या आपका वीडियो है कंप्लीट बन जाएगा। जैसे हमने OBS बताया और कैमरा ऑन किया और माइक जो मैंने यहाँ रखा, माइक मेरा ऑन है, सब चीज़ें ऑन कर, ये आपका डिस्प्ले आएगा बोर्ड का। डिस्प्ले में ज़रूरी ये है कि डिस्प्ले में आप यहाँ जाओगे, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ पे क्लिक करना है, आपको वेलकम टू नोट आ जाएगा। तो वेलकम नोट पे आपके यहाँ पे पेन है, टूल सिलेक्शन, जो भी पेन आपको चूज करना, जो पेन का जो भी कलर चूज करना, मान लो मैं वाइट कर रहा हूँ तो कितना उसका लैमिनेशन रखना है, और ये देखो ये आ गया, और ऐसे करके आप साफ भी कर सकते हो। कभी आपको लगे कि मुझे जो बैकग्राउंड उसका कलर चेंज करना है, थीम पे आ जाओ, थीम से आपके बैकग्राउंड में जाओगे, आपको लगता है बैकग्राउंड के मुझे अगर कोई और कलर देना है, मान लो दिस वन कलर, तो आपका थीम का कलर ये हो जाएगा। आप फिर पेन का चेंज करना, यहाँ पेन पे आ जाओ और फिर ब्लैक पे आ जाओ, जो भी कलर आप चूज करना चाहो, ये आ गया ब्लैक। अभी IIMT जो भी लिखा हूँ मैं, ये ब्लैक में आ जाएगा। इस तरह से फिलहाल अगर आप कैमरे में जब हम शूट करते हैं, हमें बैकग्राउंड हमेशा ही डार्क रखना है और पेन का ब्राइट रखना है, जिससे क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। एक बार फिर मैं बैकग्राउंड जो है यहाँ से थीम में जाता हूँ, थीम में जाके बैकग्राउंड अपना डार्क ले लेता हूँ, ये डार्क ले लिया मैंने और ओके करके ये आपका आगे आएगा। और आपको क्लियर ऑल करना यहाँ पे करना है, जो भी हमने पढ़ाया नोट्स या PDF से, हम पेन ड्राइव से लेके आए या उस पर डिस्प्ले करके, या जो हमने डिस्प्ले पे लिखा वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। वो सारा जो मैंने डिस्प्ले पहले OBS का जो सिस्टम दिखाया था, वहाँ पे जो है स्टॉप करोगे, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, कैमरा और साउंड ऑफ कर देना। उसके बाद जो है, जो आपकी रिकॉर्डिंग जो है लोकल डिस्क डी में जाके, OBS रिकॉर्डिंग में जाके आपका वीडियो पूरा मिल जाएगा। इस तरह से आपका क्लास जो है, ये जो ई लेक्चर है आपका, ईजिली रिकॉर्ड हो सकता है। ये बहुत ईजी 3 स्टेप है जो आपको याद करने हैं।